এদিকে সাংসদ জিতেন চৌধুরীর এনআরসি প্রসঙ্গে দেয়া বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া বিজেপি রাজ্য সম্পাদিকা প্রতিমা ভৌমিক বলেন একজন শিক্ষিত মানুষ হয়েও এনআরসি নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় রাজ্যে বিজেপি সরকার আগে স্পষ্ট করেছে ত্রিপুরায় এনআরসি প্রয়োজনীয়তা নেই जब जो রাগ আলাপতায় হ আপনি জিতেন চৌধুরী জি সব লোক 35 ইয়ার্স ত্রিপুরা মে রাজ কিয়া হ কত মাইনোরিটিকে ত্রিপুরা মে জব দিয়া হ আবি ত্রিপুরা माइनॉरिटी के एरिया में सबसे ज़्यादा स्लाम है पानी नहीं है बिजली नहीं है सड़क नहीं है सैनिटेशन का व्यवस्था नहीं है लाज उनका था वन पर्सन भी माइनॉरिटी के अंदर जब नहीं है और उन्होंने माइनॉरिटी का दुहाई दे हम लोगों को आ, मुश्किल में ढालने की कोशिश करता है बीजेपी के ऊपर मतलब एक खिलाफ़ आंदोलन करने का लोगों को आ, जिसको बोलता है साम्प्रदायिक जो एक तब तक तो उन्होंने घुसारा के लिए कोशिश करता है उन जैसा रेस्पॉन्सिबल पब्लिक को ऐसा बात नहीं करना चाहिए दुर्भाग्यपूर्ण है और आसाम के बारे में जो फर्टी लैक्स एन का हुआ है आसाम का गवर्नमेंट बोला है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो बोला है वो एक ड्राफ्ट है खसरा है उसका अंदर एक लाख भी हो सकता है दस लाख भी हो सकता है दस हज़ार भी हो सकते हैं ऐसा है, है। कुछ भी नहीं है जो अपना कागजात है वो दिखा दे आराम से वो निकल जाएगा वो बीजेपी का नहीं है सुप्रीम कोर्ट का देख में हो रहा है हम लोगों ने कुछ नहीं किया बीजेपी भी ने कुछ नहीं किया असम का बीजेपी भी, दिल्ली का बीजेपी भी कुछ नहीं किया अभी जितेंद्र चौधरी शिक्षित आदमी है मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी उसको अच्छे तरीके से स्टडी करे लोगों को मतलब बांटने का कोशिश मत करे लोगों को गुमराह मत करे ऐसा अच्छा जो है उसको अच्छा साइड उसको दिखाए